कंडीशन में इसमें भी कॉमन एलिमेंट होते हैं, और अगर ये दोनों सेट इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ से हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि सेट में काम आती है, उसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स। इफ़ ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कोई हमारे पास सेट है इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में, इस तरह से कोई सेट है 1, 2, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से कुछ सेट है, तो उस कंडीशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव होगा अगर हमारे पास इस तरह के मिल जाए कि जैसे सपोज ए बराबर कोई सेट था जो 1, 2, 3 था, तो उस कंडीशन में हमारे पास अगर इसको सिमेट्रिक होना है, इसके लिए रिफ्लेक्सिव होना है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास जो मिलना जरूरी है 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, ये अगर तीनों मिल जाते हैं तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो सेट है उसके लिए ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को शो कर सकते हैं।